नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ श्रावण मास में किया जाने वाला एक अद्भुत चमत्कारी उपाय शेयर करने जा रही हूं। अपनी किसी भी मनवांछित इच्छा के लिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय को इस श्रावण मास में आपको जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन सोमवार के सोमवार कर सकते हैं, जो बचे हुए सोमवार हैं, या फिर आप सावन सोमवार से शुरू करके 11 दिन या सोमवार से सोमवार तक के 15 दिन भी इस उपाय को अगर करते हैं, यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर बरसती है। दोस्तों, इस उपाय को आप संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कर सकते हैं, मनचाहे घरवर की इच्छा के लिए कर सकते हैं, जीवन में समस्त तकलीफों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जिस भी कामना से करेंगे आपकी वो कामना पूरी होगी। बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ को 108 की संख्या में मूंग अर्पित करते हैं, बहुत शीघ्र आप पर भगवान शिव इस उपाय से प्रसन्न होते हैं। बहुत ही चमत्कारी उपाय है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। ये 108 की संख्या में आपको कुछ नहीं करना है। मूंग, जो हरे मूंग होते हैं, साबुत मूंग, आपको गिनती करके 108 लेनी है। आप एक मुट्ठी में ही ले लें हल्का सा, उस पर गंगा जल या फिर शुद्ध जल ही आप उस पर छिड़क करके गीला कर लें और आप उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आप चाहें तो एक एक की संख्या में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जाप के साथ अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मुट्ठी में लेकर एक साथ ही 108 मूंग के दाने अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इस उपाय को घर में, अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो घर में करें, लेकिन अगर किसी भी शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को करते हैं आप अपनी पूजा आराधना के साथ साथ, यकीन मानिए भगवान भोलेनाथ आप पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मूंग जो आप अर्पित करेंगे वो खराब नहीं होने चाहिए, मतलब कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, जिसमें कि कई अनाजों में देखिए घुन लग जाता है, तो आप ऐसे मूंग ना लाएं। तो बिल्कुल अच्छे स्वच्छ साफ सुथरे मूंग लेकर आएंगे और 108 मूंग के दाने पहले से अच्छे वाले आप चुन करके बीन करके रख लें, और जब पूजा में जाएंगे सावन सोमवार व्रत के दिन तो आप इन दानों को अर्पित कर दें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको व्रत में ही रहना जरूरी है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं सावन सोमवार के, तब भी अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को अपना सकते हैं। इस उपाय को आप इस सावन के सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक कर सकते हैं। आप मन में 11 दिनों का संकल्प लेकर कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सोमवार से आखिरी सावन के दिन तक, यानी कि पूर्णिमा की तिथि तक कर सकते हैं। आप चाहें तो सावन सोमवार से लेकर जो अगला सोमवार आए और उसके अगला सोमवार, मतलब अब तीन सोमवार बचे हैं, तो तीनों सोमवार यानी कि 15 दिनों तक इस उपाय को लगातार कर सकते हैं। और यही नहीं, इस उपाय को आप आगे भी जब भी आप भोलेनाथ की पूजा आराधना करें जरूर अपनाएं। बहुत ही प्रसन्न करने वाला, जैसे भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी चीजें हैं प्रिय, उनमें से बहुत ही प्रिय चीज है मूंग। देखिए, मूंग अर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि संतान प्राप्ति की अगर आपकी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होती है, मन चाहे घरवर की इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होती है। आप चाहते हैं कि आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की आवक बनी रहे, ये समस्त इच्छाएं जिस भी कामना को आप लेकर करते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूं ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्त परिजनों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।